क्वीन एलिजाबेथ के बाद मैडम तो साद में इस सिंगर के स्टैच्यू हैं सबसे ज्यादा। आए ऑस्ट्रेलियन सोप ओपेरा ने बर से पॉपुलर हुई आए ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश सिंगर और एक्ट्रेस काइली मिनोग ने ब्रेस्ट कैंसर से जिंदगी की जंग जीती है। साल 2005 में मिनोग को डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद मिनोग को पब्लिक लाइफ से दूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी कई परफॉर्मेंसेज कैंसिल की, लेकिन मिनोग ने तय कर लिया था कि वो कैंसर से ये जंग जीतेंगी। मिनोग की सबसे खास बात यह है कि वो न सिर्फ अपनी बीमारी से उभरी बल्कि इसके साथ ही उन्हें ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने का काम भी किया। मिनोग को इसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं मिनोग से जुड़ी कुछ खास बातें। काइली मिनोग का जन्म मेलबर्न में 28 मई 1968 को हुआ था। आए ऑस्ट्रेलियन सोप ओपेरा नेबर्स में काइली ने दो सीरीज तक काम किया। इसके एक एपिसोड को लंदन में 20 मिलियन लोगों ने देखा था। काइली अमेरिका में एक ट्रेस नहीं सिंगर के तौर पर मशहूर हैं। अपनी करियर के दौरान मिनोग 12 फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम, 6 लाइव एल्बम और 11 कंपाइलेशन एल्बम दे चुकी हैं। 30 साल के म्यूजिक करियर में मिनोग को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके बाद मिनोग ने रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाया। उन्हें प्रिंसेज आए पॉप और गॉडेस आए पॉप का नाम भी दिया गया है। काइली मिनोग को आए ऑस्ट्रेलियन लीजेंड सीरीज के तहत डाक टिकटों पर भी जगह दी गई है। इसमें साल 2013 की उनकी सीरीज जेसी डी सी और मेन एटवर्क भी शामिल है। उन्हें आए ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की हाईएस्ट सेलिंग आए ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। मैडम तुसाद म्यूजियम में काइली मिनोग के 4 वैक्स स्टैच्यू हैं। क्वीन एलिजाबेथ के बाद सिर्फ काइली ही हैं जिनके इतने स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाए गए हैं।